दोष रावण पढ़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये दो महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, दो दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस जो पेड़ तुम्हारे यहां लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहां लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले, उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव दो महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का महा, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना, प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो, अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा, पुरुषोत्तम मास के महीने में, अधिक मास के महीने में, कोकिला अधिक मास में, 18 वर्ष में एक बार आता है, ऐसे कोकिला अधिक मास में, वैसे तो अधिक मास 3 वर्ष में पहुंचता है, कोकिला अधिक मास में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली, इसके बाद भी मैं श्रवण नहीं कर पाया, अभी रोना नहीं आया, अंतिम समय, कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में, 33 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33 ही क्यों करते हैं, काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए, कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए क्यों, रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं, अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में, तो अधिक मास की कथा में ये वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं, जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वह परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान कर जाते, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों, 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ, हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ, हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया, सूतक सावड़ जानते हो ना, मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़ का, हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज डर जाता। अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजयंती माला को रख कर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं होता, वैजयंती का दान इतना प्रबल है। कोकिला अधिक मास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है महाराज जी, गुड़ की कोयल बनाई जाती है, जो गुड़ होता है ना उसकी, गीले गुड़ की कोयल बनाई जाती है और उस कोयल में एक लोंग रखी जाती है, चाहे सोने की रख लो चाहे खाने वाली लोंग रख लो, इसी सुहागन लेडीज को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दान दे दी जाती है, तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, कोकिला अधिक मास का नियम, नारी वेदव्य नहीं हो सकती, नारी सौभाग्य लेकर ही जाएगी, अखंड सौभाग्य से जाएगी, उसको कोकिला अधिक मास का इतना प्रमाण है।